नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 2024 न्यूज में। मैं आपके साथ शिवांशु दुबे। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महज चंद घंटों की बूंदाबांदी से ही लाहौल 37 नंबर राष्ट्रीय राजपथ की स्थिति बाढ़ जैसी हो गई। बारिश के पानी से जलमग्न होने से राजपथ पथ की बजाय कोई बहती नदी नजर आने लगा। राजपथ में जमा हुआ यह पानी बाढ़ से उफने हुए किसी नदी का नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन तथा राजमार्ग प्राधिकरण की गलती का नतीजा है। महज चंद घंटे की बूंदाबांदी से राजमार्ग के 1 किलोमीटर दायरे में घुटने तक पानी का जमावड़ा हो गया। कृत्रिम बाढ़ के कारण वाहनों की आवाजाही बुरी तरह बाधित हुई है और स्थानीय जनता के मन में तीव्र आक्रोश है। सड़क मार्ग की इतनी बुरी हालत होने के बाद भी प्रशासन की ओर से स्थिति को सामान्य करने की कोई पहल नहीं की गई। इसी बीच अजय गोगोई नामक एक स्थानीय समाज सेवी व्यक्ति ने अपने जेसीबी का प्रयोग कर राजमार्ग में घुटने तक आ चुके पानी के निष्कासन के लिए मार्ग बनाया। तब कहीं जाकर वाहनों की आवाजाही होने लगी। प्रशासन और प्राधिकरण की कोताही से क्षुब्ध जनता सरकार से स्थायी इस समस्या का समाधान की मांग करने का मन बना चुकी है। आज हमारे लाहौल समस्ते राधाघाट राधाघाट प्राय अंचल तो मुठते 40 ঘৰ, 30 ঘৰ, 15 ঘৰ মানে বৰষুণৰ পানীত আজি ডুব খাই গৈছে ঘৰবিলাক। তেওঁলোকৰ হাঁহ ছাগলীৰ পৰা লৈ যথেষ্ট পঢ়া শুনা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। আজি আপোনালোকে দেখিছে এইবিলাক নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ মাটি হয়, নিজৰ তেখেতলোকে যদি মাটি ভৰালে মাটি ভৰা তেখেতলোকে নিজৰ সুবিধা কৰি নল'লে ডেমটো নোলোৱাৰ কাৰণে আজি সকলোখিনি মাটি ভৰাই দিলে ফিলআপ কৰি দিয়া তাৰপৰা পানীটো আচলতে ৰাজাঘাটৰ পানীটো ওলাই যাব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে আমাৰ আজি অসুবিধা হৈছে। ৰাইজ আজি একত্ৰিত হৈ ওলাই আহিছে, এই জেচিপি দেখি আছে, চলি আছে, নিজৰ ব্যক্তিগত হিচাপত তেখেতলোকে ভেনটো মাৰিছে। ময়ো মোৰ জেচিপিখন দি তেখেতলোকৰ সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছো আৰু আজি যথেষ্ট কাম হৈছে বুলি ভাবো। আৰু আমাৰ লোকেল এম এল এ আমাৰ যি বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰ অৱগত কৰিছো, আমি এখন লিখি দিছো, তেখেতে এইটো ডেনটো অতি সোনকালে বনাই দিম বুলি আমাৰ আগত কথা দিছে। আমাৰ আশা আৰু বিশ্বাস তেখেতৰ ওপৰত, তেখেতে যেন আমাৰ ডেনটো অতি সোনকালে বনাই দিয়ে। আজিলৈ বাছ ইমানেই, বনে ৰে টুডে 24 নিউজ কে।